आपने कई सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे चोटियां देखे ही होंगे। इतनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर इन चोटियों को क्यों लगाते होंगे? आपके मन में ऐसे सवाल तो कभी ना कभी आए ही होंगे। और आपका सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि जब कोई बिल्डिंग के हाइट मापा जाता है तो इन चोटियों को हाइट को शामिल किया जाता है या नहीं। इन सारे प्रश्नों को जवाब इस वीडियो में मिलेगा, बस आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले तो जब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर ऐसी चोटियां लगाया जाता है तो उस चोटियों को एक वैनिटी हाइट कहा जाता है। अब इन चोटियों को लगाना कोई एक खास कारण तो नहीं होता है, लेकिन आप यूँ कह सकते हो कि कोई भी बिल्डिंग को एक खूबसूरती देने के लिए और पूर्ण रूप देने के लिए इन चोटियों को लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। अगर बुर्ज खलीफा के ऊपर से इन चोटियों को हटा दिया जाए तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। बुर्ज खलीफा को इस तरह देखने में इसकी खूबसूरती में कमी तो आता ही है, उससे भी ज़्यादा ये कुछ अपूर्ण सा लगता है। इसलिए बिल्डिंगों को पूर्ण रूप देने के लिए और इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए इस तरह की चोटियों को लगाया जाता है। इसके अलावा कई मायनों में बिल्डिंग को हाइट बढ़ाने के लिए भी इन चोटियों को लगाया जाता है, लेकिन इन चोटियों को हाइट तभी मापन किया जाता है जब उन चोटियां बिल्डिंग के एक परमानेंट पार्ट हो। मतलब उन चोटियां भी बिल्डिंग के एक पार्ट हो जिसे बिल्डिंग से अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी बिल्डिंग के ऊपर कोई एंटेना लगा हो तो उस एंटेना को हाइट बिल्डिंग के हाइट के साथ शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोनस टावर के ऊपर जो चोटी बनी है उसकी नीचे से टिप तक का हाइट 451.9 मीटर है, और शिकागो के विलेस टावर के ऊपर जो चोटी बनी है उसकी नीचे से टिप तक के हाइट 527 मीटर है। यहाँ पर पेट्रोनस टावर की हाइट विलेस टावर की हाइट से कम होने के बाद भी 1998 में पेट्रोनस टावर को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के खिताब दे दिया गया था, क्योंकि पेट्रोनस टावर के ऊपर जो चोटी बनी है वो बिल्डिंग के एक परमानेंट पार्ट है। वहीं विलेस टावर के ऊपर जो चोटी बनी है वो एक एंटेना है जो बिल्डिंग के परमानेंट पार्ट नहीं है। इसी तरह बुर्ज खलीफा के ऊपर जो चोटी बनी है वो भी बिल्डिंग के साथ अटैच है, अर्थात बिल्डिंग के एक परमानेंट पार्ट है जिसे बिल्डिंग के साथ से अलग नहीं किया जा सकता। इसी कारणों से बिल्डिंग के हाइट के साथ उस चोटियों के हाइट भी ऐड किया जाता है जो कि होता है 828 मीटर। जैसे कि आपको पता है कि अभी ये दुनिया की सबसे ऊँची इमारत है। आई होप आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे ब्रोकन फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।